हर्ष, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, इन लास्ट लेक्चर आई डिस्कस अबाउट एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल द मेन अप्रोच मॉडल फॉलोड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम. सो इन कंटिन्यूएशन द होल सिस्टम नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर इज कैरीड आउट with the help of computer aided system engineering या computerized aided system engineering known as CASE.
case. Case stands for computer added system engineering. Means I already told you that whenever we provide any solution, any information system for any organization or end user who want your solution, facing some problem during working, also facing problem during decision making, because actual information is not gained by top management. आप लोग टाइमली ज्वाइन करिए भाई, हमने आपसे बोला भी था 5 मिनट्स बिफोर ज्वाइन कर लिया करिए. ऑलरेडी 3 to 4 मिनट मैं वेट करता हूं सबके ज्वाइन होने का. सो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंजीनियरिंग केस. ओफो, केस इज हेल्पफुल ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सॉफ्टवेयर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू योर क्लाइंट. ओके, case involve, case means computer aided system engineering. आप लोग टाइमली ज्वाइन किया करिए, अदरवाइज मैं आपको ज्वाइन एंट्री नहीं करूंगा, ध्यान रखिएगा. कंप्यूटर एडेड सिस्टम इंजीनियरिंग इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर पैकेज व्हाटएवर कम्स एंड यूज्ड इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट प्रोसेस विथ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एज एनालिसिस. ओके, डिजाइन, कोडिंग, इन सब में जितने भी पैकेज टूल्स यूज होते हैं आपके, दिस इज ऑल नोज अबाउट केस टूल्स. कंप्यूटर एडेड सिस्टम ऑब्लिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दिस टूल्स प्रोवाइड मैनी एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट, जैसे मैंने आपको बताया पैकेज, जस्ट सपोज for planning we use a tool, for scheduling we use a tool, for designing we also use a tool by which we can successful and practical implementation during your development procedure. Case tool make a computer aided system develop process very effective and efficient, and also possible whatever things are going to deliver by you to the user. Okay, there are various tools are available in case category. The hierarchy of tools like planning tool, okay, analysis tool, design tool, information generator or integrator tool,
these all are case tools combined with case environment. This is diagrammatic picturization, implementation of case tool, representation of case tool. This is our case workstation. This is also connected with database known as repository. Repository or database. Okay. Database में भी आपके different different further repositories या tool set होते हैं. Okay. Suppose whenever you are going to coding or coded with GUI pages to form different reports, these all directly interact with the database or central repository system. इसको हम लोग कहते हैं कोड जनरेशन टूल सेट, डेटाबेस जनरेशन टूल सेट. वेरियस डेटाबेस टूल्स आर अवेलेबल वर्क एज ए केस टूल ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमएस एक्सेस की बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल सभी लोग एमएस एक्सेस से अवेयर है. पहला इम्पॉर्टेंट जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट टूल यूज करते हैं फॉर डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, तो जो ये एमएस एक्सेस है, इट इज ऑल्सो नोन एज केस टूल विच हेल्प अस एंड प्रोवाइड अ डेटाबेस रिपोजिटरी फॉर any software, future software for access any queries, results. System interfaces are also used as a case tool. GUI pages आप बनाते हैं, graphical user interface, many packages, many style sheets, these all knows categories of case tools. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग फ्रंट पेज से अवेयर होंगे. फ्रंट पेज माइक्रोसॉफ्ट का एक, जिस तरह से आपका एमएस वर्ड होता है उसी तरह से इसका पैकेज में अलग से एक सॉफ्टवेयर टाइप का होता है, मॉड्यूल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंट पेज. विद द हेल्प ऑफ फ्रंट पेज यू डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ठीक है, एंड अदर चेक बॉक्सेस, इनको आप बना सकते हैं, ड्रॉप कर ले सकते हैं, और इनके बैकग्राउंड में इसकी कोडिंग आपकी आ जाती है बाद में अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. योर डेटाबेस डोमेन्स में जो आप टेबल्स बनी होती है उनके डोमेन यानी कॉलम के अकॉर्डिंग आप टेबल के कैप्शन को चेंज कर सकते हैं. एंड आल्सो कनेक्ट द फ्रंट पेज एंड द डेटाबेस टेबल आल्सो. तो दिस मैकेनिज्म फेनोमेनन आल्सो नोन एज केस टूल. इसी तरह से अगर आप टेबल बिटवीन जो टेबल है इनका रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, स्मार्ट ड्रा एक टूल होता है, स्मार्ट ड्रा के हेल्प से आप टेबल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि विच टेबल कंटेन्स प्राइमरी की, विच टेबल कंटेन्स फॉरेन की, वर्क एज ए फॉरेन की फॉर अदर टेबल, ये आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इससे. ऑल्सो देयर आर वेरियस डिजाइन टूल्स अवेलेबल बाय विच वी कैन और यू कैन design your software. Design is glimpse for your proposed solution by which user can satisfy or your developer or your coder programmer also have idea what and how the implementation will be carried out in future development procedure. तो ये सब आपके जितने भी computerized पैकेज या टूल्स हैं उन सबको हम लोग कहते हैं केस टूल. इसमें फर्स्ट है प्लानिंग टूल. द प्लानिंग टूल्स बिगिन द डेवलपमेंट प्रोसेस विद इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी प्लानिंग फॉर्म हाई लेवल बिजनेस एडवांटेज पॉइंट. सपोज एक आपने कोई रिपोर्ट बना ली, प्लानिंग एक डॉक्यूमेंट आपने कर लिया, तो डॉक्यूमेंट आपने एमएस वर्ड के थ्रू ही प्रिपेयर किया, तो एमएस वर्ड आपका केस टूल की तरह वर्क कर रहा है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर. अंशुमान सिंह टाइमली आया करो, अदरवाइज आई विल नॉट परमिट यू. 16 मिनट्स ऑलरेडी अब पास हो गए. नेक्स्ट
analysis tools. The analysis tool focuses on correctly capturing detailed business requirement early in the development process. Analysis tool में suppose decision tree, various decision tables by which you can analyze any proposed system, alternatives, also cost, scheduling. For scheduling, you use Gantt chart and Pearl chart, staffing. So the computerized mechanism tools which help in analysis known as analysis tools in the category of case tool. किसी भी आप टूल का यूज करके इवन आपने पीडीएफ एक डॉक्यूमेंट बनाया तो पीडीएफ वर्क्स एज ए केस टूल फॉर योर डेवलपमेंट प्रोसेस. ओके, फॉर योर डेवलपमेंट प्रोसेस. डिजाइन में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. एंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मींस users previous database, users previous graphical user interface, users previous records repository works as information for your proposed solution. वो जो आप use कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी case tool या software system के form में होगी. अगर manual documentation है तब भी आप क्या करेंगे, उसको scan करेंगे, interpret करेंगे या फिर से राइट करेंगे विद हेल्प ऑफ योर कंप्यूटराइज्ड पैकेज और टूल्स सो दैट यू कैन यूज इट फ्यूचर फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस. ओके, सो दिस इज केस टूल. बाय यूजिंग द केस टूल योर डेवलपमेंट इज फुल्ली कंप्यूटराइज्ड. क्योंकि यहां पे जो भी बात भी हो रही है, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, किसी लोग ने कुछ ने क्वेरी की थी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंप्यूटराइज्ड फुल्ली ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वी रिफर ऑल पैकेजेस, ऑल टूल्स, ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल रिसोर्सेज इन हेल्प और एसोसिएशन विद केस टूल्स ओनली. ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड MIS. मैनी टाइम्स, लगभग ये हमारा 8th लेक्चर है. आई यूज द टर्म इन एवरी लेक्चर 4 to 5 टाइम्स. कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड MIS, कंप्यूटराइज्ड टूल्स. इट डायरेक्टली रिफर्स, इट मींस दैट अवर सिस्टम, अवर सॉल्यूशन, अवर सॉफ्टवेयर इज फुली बेस्ड ऑन documented, computerized. This doesn't refer by any means or pages manually or verbally. यहाँ पे manual और verbal solution की suggestions की कोई requirement नहीं है. Only computerized और साथ ही साथ जो भी होगा वो document हो. मतलब हमने आपको software दिया but with support of प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो. इसमें यूजर मैनुअल होगा, एवरी स्टेप्स विल बी डिस्क्राइब्ड, एवरी स्टेप्स विल बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग एंड प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल अप्रोच, डायग्राम, सिनेरियो, डिफरेंट केस डायग्राम्स, डिफरेंट यूजर इंटरफेस डायग्राम, क्लास डायग्राम, इंटरफेस डायग्राम, डेटाबेस डिपेंडेंसी, टेबल डायग्राम्स, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड या डॉक्यूमेंटेड या बोथ, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा होगा. दैट वाई वी यूज द टर्म कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन.
इसी का इसका यही मतलब होता है. देयर आर वेरियस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड MIS. फर्स्ट, एबिलिटी टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन विद एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड. विद एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड. फर्स्ट वन इज एक्यूरेट एंड हाई स्पीड. सेकेंड वन, ऑर्गेनाइजिंग एंड अपडेटिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ डेटा ऑफ रिलेटेड अनरिलेटेड नेचर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो. ओके, सेकेंड वन, ऑर्गेनाइजिंग एंड अपडेटिंग. Organizing and updating of huge amount of raw data, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा, क्योंकि डेटा जो होता है वो रॉ ही होता है. एंड रिलेटेड अनरिलेटेड नेचर डिराइव फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. डिफरेंट पीरियड टाइम मतलब टाइम टू टाइम इन योर एंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. थर्ड वन इज The information processing and computer technology have been now become so advanced, emerging, that managers are able to obtain real-time information. Second character is real-time information. Real-time information about ongoing activities and events without any waiting period also discards waiting time. किसी कोई ज्योति को बोले कि वो बार बार डिस्टर्ब ना करें, टाइम इज ओवर, अब मैं एंट्री नहीं दे पाऊंगा. उनको आप लोग कोई भी बता दीजिए, जो भी उनके फ्रेंड हो जिनके पास भी नंबर हो, कि वो अब सीधे टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी. फोर्थ वन इज द इनपुट डेटा इन कंप्यूटर. बोलिए भाई, उनको बार बार डिस्टर्ब कर रही है गरिमा. हाँ, उनको बोल दीजिए, टाइम इतने लेट में ज्वाइन नहीं करने दूंगा किसी को, रोज इनकी प्रैक्टिस हो गई है. नाउ कम टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. द इनपुट डेटा एंड कंप्यूटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट आउटपुट फॉर्म और फॉर्मेट्स. वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक्सेल में है तो एक्सेल से आपको कन्वर्ट कर लेना है अपने SQL या MySQL या Oracle फॉर्म में, जिस तरह से उनका डेटा है. अगर उनका एक्सेस में है तो भी हमको इसको माइग्रेट करके ले जाना है अपने यूजफुल, चाहे Sybase हो चाहे DBase हो, जो आप सॉफ्टवेयर सिस्टम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. एस इसी तरह से जो उनका ग्राफिकल इंटरफेस पेज, अगर आपको लगता है इजिली वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है, इम्पोर्ट हो सकता है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रीजनरेट with your technology, your chosen technology, with your criteria, menus, forms, text box, etc. आप उसको भी change कर सकते हैं. The system is now so organized that managers at different level and in different activity units are in position to obtain information in whatever form they want, provided that relevant program or instruction. Means now there are various opportunity. For example, suppose अगर आप कोई भी information download करते हैं तो there are various forms available by which we can download as per your requirement. Means if you want data in Excel format, Excel में आ जाएगा. PDF में करना चाहते हैं, PDF में आएगा. वर्ड फॉर्मेट में करेंगे, वर्ड फॉर्मेट में आएगा. एक्सेस फॉर्मेट होगा, बट डिपेंड करता है कि वो सपोर्टिव है कि नहीं है.
आप सपोज करिए किसी का पेरोल है, वो वर्ड फॉर्म में इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, ठीक है, एक्सेल फॉर्म में वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। जहां पे अगर किसी का डेटाबेस टेबल फॉर्म में है, टेबल में डेटाबेस एक्चुअल बना हुआ है, तो एक्सेस फॉर्म में जो आपके यूज में है वो ज्यादा यूजफुल रहेगा, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, सो इनपुट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज नाउ यूजर कंपेटेबल। फिफ्थ वन, नाउ सुपर ह्यूमन मेमोरी मीन्स कम टू द स्टोरेज पॉइंट। ट्रिमेंडस वॉल्यूम ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर एंड कैन बी रिट्रीव्ड एज एंड व्हेन नीडेड। ठीक है, देयर आर आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर जॉब, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एनी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर योर यूजर एनी ऑर्गेनाइजेशन, सो हाउ यू कैन मैनेज स्टोरेज ऑफ द डेटा रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज इन द सिस्टम। मेन अगर कभी जरूरत हो सकती है तो आप उसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज को यूज कर सकते हैं, सेंट्रल सर्वर यूज कर सकते हैं, या क्लाउड पे आप डेटा रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में क्लाउड पे भी डेटा आजकल रखा जा रहा है, जैसे कि आपका आपका विंडोज 10 का एक फीचर होता है वन ड्राइव। वन ड्राइव में आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एंड व्हेनेवर वेयरएवर यू रिक्वायर यू कैन एक्सेस फ्रॉम दैट एरिया एंड दैट इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से स्टोरेज का मेन कंसर्न भी एज डेवलपर फ्रॉम योर एंड। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। इन नाउ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नाउ इट इज द ट्रेनिंग ऑफ द यूजर एंड मोटिवेशन टू द यूजर अबाउट योर सोल्यूशन और सॉफ्टवेयर वट एवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड या वट एवर यू आर रेडी डिलीवर टू द यूजर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डेवलपर। मीन्स योर वर्क इज नॉट ओवर ओनली वेन कि आपने सॉफ्टवेयर बना करके इंफॉर्मेशन सिस्टम बना करके यूजर को हैंड ओवर कर दिया। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग, गाइडेंस एंड ऑल्सो मोटिवेटेड टाइम टू यूज योर सॉफ्टवेयर हैप्पीली, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट, वो आपके सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेगा या उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। व्हेनेवर द रिस्पॉन्स ऑफ यूजर इज नॉट गुड, योर मार्केट वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड। और जब आप प्रॉफिट गेन करने की बात करते हैं, तो प्रॉफिट सिर्फ मनी के टर्म में नहीं होता है। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस सॉफ्टवेयर को सोल्ड करके अपना मनी जो भी है वो निकाल लिया और अपना प्रॉफिट गेन कर लिया। इट आल्सो इन टर्म्स ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर मार्केट वैल्यू, ठीक है, योर सपोर्ट, इन सबसे मार्केट में आपकी वैल्यू रहेगी। और एज अ डेवलपर यू विल बी लॉट ऑफ वर्क, यू विल हैव लॉट ऑफ वर्क, देयर आर मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट अदर क्लाइंट टू प्रोवाइड अ गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, मेन ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन सपोर्ट टिल द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल एज जब यूजर यूज भी करता है तब भी आपको हमेशा उसको सपोर्ट करते ही रहना है। दिस इज मेजर मेजर सपोर्ट ऑफ योर साइड टू द यूजर। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम या MIS। इसके साथ ही साथ आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की भी लिख देनी है यहाँ पे। अगर एक बड़ा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, ठीक है, या 5 मार्क्स में दो दो पार्ट, 10 नंबर क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन होता है उसके दो पार्ट होते हैं 5-5 नंबर का, तो वो भी बड़ा क्वेश्चन मान जाएगा। तो उसमें भी आप
कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटराइज्ड MIS की कैरेक्टरिस्टिक करने के बाद जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी आप लिख दीजिए, जिसमें कि आपका आ जाता है स्पीड, एक्यूरेसी, ओके, फिर आता है थर्ड स्टोरेज, जो कि हमने आपको बताया इट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। फोर आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इन द टर्म मीन्स हाउ रिकवरेबल, हाउ एडजस्टेबल योर सोल्यूशन बाय द फ्रॉम द इनपुट गिवेन टू द योर सॉफ्टवेयर योर सिस्टम एट रन टाइम, मतलब कितना रिलायबल है। अगर उसने कोई एरर या कोई रॉन्ग इनपुट भी दिया तो वो कैपेबल कितना है उस रॉन्ग इनपुट को पॉजिटिव आउटपुट देने में या प्रॉपर मैसेज के थ्रू, ठीक है। मैसेज वैलिडेशन हैंडलिंग ये सब भी एक सॉफ्टवेयर की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सपोज अगर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और टेक्स्ट बॉक्स में आपने मोबाइल या फोन नंबर का टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है और यूजर ने बाय मिस्टेक या बाय नोइंग आल्सो सब कुछ जानते हुए भी उसने ABCD लिख दिया मोबाइल नंबर में, देन आपको ये वहीं पे चेक कर लेना है बिफोर क्लिकिंग ओके बटन। तो ओके ऑन क्लिक पे व्हेनेवर योर क्वेरी इज गोइंग टू फायर, कि मतलब आपको लग रहा है कि अब ओके ऑन क्लिक पे इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, तो जैसे ही माउस ओवर हो उस टेक्स्ट बॉक्स से या आपका जो पॉइंटर है वो ओवर हो उस टेक्स्ट बॉक्स से, वहीं पे वैलिडेशन चेक हो जाए कि मोबाइल नंबर शुड बी इन डिजिट, मोबाइल नंबर शुड बी इन 10 डिजिट ओनली। अगर किसी ने ईमेल आपने लिखा हुआ ईमेल पूछ रहा है और यूजर ने सर्विस प्रोवाइडर नहीं लिखा, ईमेल तो लिखा बट एट द रेट और उसके बाद डोमेन नेम होता है, ठीक है, एट द रेट जैसे सपोज करिए कि .com लगा हुआ है, डोमेन लगा हुआ है या जो भी सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखा हुआ है वो नहीं है, ठीक है, gmail.com है या edu.in है, ये अगर नहीं है एट द रेट के बाद सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो ये वहीं पे चेक हो जाए। बिसाइड कि आप उसके अलावा जो है डिफरेंट मैसेज दें, उसके बाद उसको मैसेज सेव कर दें, फिर एक एरर मैसेज आए, उससे पहले पहले आप इसको यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं। तो दीज आर द रिलायबिलिटी। इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑटोमेटिसिटी होनी चाहिए, दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन ऑफ एनी कंप्यूटर रेलिवेंट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर कोई क्वेश्चन ट्यूट शीट में अगर होता है क्या है कंप्यूटराइज्ड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या मैनुअल कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या डिफरेंस है, या क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और मॉडर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके, नाउ इट्स जस्ट टाइम, टाइम लगभग हो गया है, आई विल कलेक्ट योर अटेंडेंस फ्रॉम गूगल फॉर्म, तो उसमें आप 11:31, 11:32 के अराउंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे टाइमर लगा हुआ है, आफ्टर 45 मिनट रिस्पॉन्स विल बी क्लोज, सो मेक हेस्ट। ओके, आई विल प्रोवाइड वीडियो ऑफ टुडे लेक्चर एंड आल्सो नोट्स इन गूगल क्लासरूम। बेस्ट ऑफ लक।